में जाते ही बोला कि पूरा देश आपके जज्बे को सलाम करता है और देश नहीं पूरा विश्व आपको देख रहा है और हम आपके साथ हैं। आज आप कितने लोग पैनल के अंदर गए थे? हम सर स्टार्टिंग में हमारे जो टीम कमांडर थे मनमोहन सर, उसके बाद सचिन चौधरी, प्रदीप कुमार, हम तीनों लोग टनल के अंदर गए थे। उसके बाद हमने जाके हमारे मनमोहन सर ने वहाँ जाके रोप वगैरह एंकर की, हम स्ट्रक्चर साथ ले गए थे। जो भी सामग्री थी, पानी की बोतल, जूस वगैरह हम ले गए थे हमारे भाई लोगों के लिए। उनके बाद जब वहाँ जो जाते हमें हौसला मिला वो काफी अच्छा था, उसे देखकर हम भी मोटिवेट हुए। और जो हमारे पाइप के बाहर टनल के वो हमारे कमांडेंट सर, हमारे डीआई सर, वो बाहर खड़े थे, उन्होंने खुद हमें बताया था, गाइडलाइन हुई थी। और ये पूरा जो ऑपरेशन था ये हमारे श्री अतुल करवा डीजीए इनके नेतृत्व में था। सर ये बताइए, टनल के जब आप उस पार पहुंचे तो आपने कितना समय बिताया और लोग वहाँ पे जो आपस में आप लोग की बातचीत हो रही होगी, क्या बातचीत हुई थी? सर बातचीत होते हमें जाते ही बोला कि पूरा देश आपके जज्बे को सलाम करता है और देश नहीं पूरा विश्व आपको देख रहा है और हम आपके साथ हैं और बाहर आपका देश इंतजार कर रहा है, आप जाइए पूरे हौसले के साथ। हमने इस प्रकार से अंदर सबकी हेल्थ स्टेटस कैसा? हेल्थ स्टेटस सबके चेहरे अच्छे थे, जो प्रशासन ने उनको सुविधा दी वो काफी अच्छी थी, उनको सारी सुविधा उपलब्ध थी, ऐसा कुछ नहीं था। बाकी ये था कि हमें उनको देख के अच्छा लगा कि हम इन भाइयों के पास पहुंच गए। टनल के अंदर जाके सर जो वहाँ पे फंसे थे, सर में उनसे जब मिले वो बहुत उत्सुक है, जाते ही देखते आपने अभी जैसे मनमोहन सर ने बताया, उसी प्रकार से जब हम लोग तो बहुत उत्सुक थे उनको वही की समझा, वही वो बहुत मतलब जैसे ऐसा नहीं था कि उन्होंने हफ्ता तब भी कुछ नहीं मचाया है, एक अच्छे तरीके से जैसे बोले जाते उस तरीके से बाहर आए और एक एक करके जैसे हमने उनको बोला उसी तरीके से, और जब एक दो जो तुम थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी उनको हमने स्ट्रेचर से लाए, उसके बाद वो खुद ही चल के आने लग गए थे, खुद ही हेल्प हो गए, नी पैड लगाए थे और उसके बाद वो खुद जब चलने लगे। उन्हें देखा या उन्होंने आपको देखा तब उनका क्या रिएक्शन था? बहुत उत्सुक थे, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट जैसे बोलते हैं, मतलब इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट थे कि वो जोर से एक बार बोले एनडीआरएफ की जय हो, और उस प्रकार से फिर हमने उनको एक एक करके वो लोग सब बाहर आने लगे। और लोगों को किस तरीके की दिक्कत आ रही थी? दिक्कत सर ऐसा कुछ नहीं था उनको, किसी को भी खाली हुई था कि भाई कब निकले, आपको पता ही है लगातार यही चल रहा था कि आज निकलेंगे कल निकलेंगे, लगातार यही हो रहा था, तो आज फाइनली निकले तो वो बहुत उत्सुक थे इसमें।